मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर क्लास. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सोशल साइंस ग्रेड 6 चैप्टर नंबर 1 सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द चैप्टर. अर्ली इन द मॉर्निंग यू रिसीव अ न्यूज़पेपर व्हिच मेक्स यू अवेयर ऑफ द डेली इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स. आफ्टर सम टाइम दीज इवेंट्स बिकम द पास्ट. वी रिकॉल द डेट एंड टाइम व्हेन द सेम टाइप ऑफ इंसिडेंट हैपेंस. Photographs and detailed information given of the past event in the newspaper help us to know our history. हर सुबह जो हमारे घर पे जो न्यूज़पेपर आता है वो क्या करते हैं, वो हमको इन्फॉर्मेशन देता है हर एक दिन के इवेंट्स का और इंसिडेंट जो उस टाइम पे हुए होते हैं. पर कुछ टाइम बीतने के बाद यही इवेंट्स हमारे लिए क्या हो जाएंगी, वो पुरानी हो जाएगी, वो पास्ट का एक एक्टिविटी जैसा हो जाएगा. हम ये सब कब याद करते हैं, जब फ्यूचर में वापस से सेम इंसिडेंट या इवेंट होता है तो हमको पास्ट वाले इवेंट की याद आती है, मतलब हमको रिकॉल होता है. फोटोग्राफ्स और जो डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे न्यूज़पेपर में दी गई होती है वो हमको क्या करता है, हेल्प करता है हिस्ट्री को जानने के लिए फ्यूचर में. इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ नॉलेज ऑफ द पास्ट टू नो एंड अंडरस्टैंड द प्रेजेंट सिचुएशन. ये ज़रूरी है कि हमको हमारे पास्ट के बारे में पता हो, यानी हमारे जो पास्ट हिस्ट्री है हिस्ट्री के बारे में हमको पता होना चाहिए. क्यों? क्योंकि उसी के हेल्प से हम हमारे प्रेजेंट सिचुएशन को समझ सकते हैं. सो नाउ यू माइट हैव सम क्वेश्चन लाइक हाउ वी कैन नो अबाउट द हिस्ट्री. हम हिस्ट्री के बारे में कैसे जानेंगे? वी नो हिस्ट्री ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फ्रॉम ओल्ड और एंशियंट बिल्डिंग्स फोर्ट्स टेम्पल्स टेपल्स एंड अदर साइट. हमको थाउजेंड्स यानी हजारों साल की हिस्ट्री पता चल सकती है ओल्ड और एंशियंट, पुराने ज़माने में जो बिल्डिंग्स बनी थी वो जो हमने आज तक प्रिजर्व करके रखे उससे, फोर्ट्स से, टेम्पल्स से, स्टेपवेल्स और अदर साइड. अगर आप लोग को अगर थोड़ा सा पता हो तो हमारा जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में. इट इज़ कंसिडर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज सिटी. क्यों? क्योंकि आज भी यहाँ पे हमने ये सारे मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स को क्या करके रखा है, प्रिजर्व करके रखा है. When collecting articles, photographs and pictures of paintings, we gather historical information. जब हम ये सारे articles collect करते हैं, उनके photographs collect करते हैं, जो पुराने ज़माने में जो paintings थी वो जब collect करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं, हम ये historical information को collect करते हैं, gather करते हैं, preserve करते हैं. Millennium Gallery. Now you might be thinking, what is Millennium Gallery? In the year 2000, मंथ दिसंबर, बहुत सारे न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया था आर्टिकल्स फोटोग्राफ्स के साथ 20th सेंचुरी के इंसिडेंट्स और इवेंट्स को रिलेट करते हुए, और वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था मिलेनियम गैलरी के नाम से. ओके, रिलायबल सोर्सेज टू नो हिस्ट्री, तत्पत्र एंड भोजपत्र. तत्पत्र यानी जो पाम लीव्स होता है उसके ऊपर जो लिखा गया होता है उसको हम तत्पत्र बोलते हैं, और भोजपत्र यानी भोजपत्र इज अ मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ ट्री नेम भोज. यानी जो भोजपत्र है वो कैसे बनता है, जो भोज ट्री है उसके स्किन से बनता है, उसके ऊपर बनता है. द तत्पत्र एंड भोजपत्र मैन्यूस्क्रिप्ट्स रिटन मोस्टली इन पांडुस्क्रिप्ट. जो पांडुस्क्रिप्ट थे वो मोस्टली तत्पत्र और भोजपत्र में लिखे गए थे. हाउ पांडु मैन्यूस्क्रिप्ट्स डिस्ट्रॉयड. कैसे पांडु मैन्यूस्क्रिप्ट्स सारे डिस्ट्रॉय, मैन्यूस्क्रिप्ट्स यानी हैंड रिटन स्क्रिप्ट. Although most of the Pandu manuscripts have been destroyed by insects, some are still preserved in temples, viharas, libraries and government museums. Using these sources, we get a lot of information about kings, administration and public life in ancient times. जो most of Pandu manuscripts थे वो सारे destroy हो गए insects से. क्यों? क्योंकि वो सारे leaves पे लिखे गए थे, तटपत्र और भोजपत्र जैसे अभी हमने हाल ही में पढ़ा उस पर लिखे गए थे, तो वो insects से destroy हुए. फिर भी ऐसे बहुत सारे हैं जिनको अभी भी प्रिजर्व करके रखा है टेम्पल्स में, लाइब्रेरीज़ में, गवर्नमेंट म्यूजियम्स में और विहारास में, उनको अभी भी प्रिजर्व करके रखा है. और ये सारे मैन्यूस्क्रिप्ट एक सोर्स है जो हमको एंशियंट टाइप के एडमिनिस्ट्रेशन, किंग्स के बारे में और उनके लाइफस्टाइल के बारे में जानने में हमको आज के दिन में भी हेल्प करता. गॉड्स इन स्टोन इंस्क्रिप्शन. स्टोन इंस्क्रिप्शन यानी स्टोन पे कार्व करना, स्टोन पे लिखना. In ancient time, main incidents like achievements of king, writings of orders and treaties with other states were carved on stones or metal plates. These metal plates and stone writings are known as inscription. पुराने time में जो kings की achievement होती थी या फिर उनका कोई order writing में होता था या दो states के बीच में जो treaty होती थी sign, वो सारा कुछ वो लोग stone पे carve करते थे या metal plates पे carve करते थे.
यही मेटल प्लेट्स और स्टोन राइटिंग्स को हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं. एग्जिस्ट इवन टुडे एंड आर प्रिजर्व्ड इन आर्चीव सच एज नेशनल आर्चीव्स ऑफ दिल्ली. आज के टाइम पे भी हमारे पास स्टोन इंस्क्रिप्शंस और मेटल प्लेट्स को हमने प्रिजर्व करके रखा है और उनको आर्चीव की तरह प्रिजर्व करके रखा है नेशनल आर्चीव्स ऑफ दिल्ली में. वेसल्स, ऑर्नामेंट्स एंड टूल्स. ड्यूरिंग एक्सकावेशन यूटेंसिल्स, स्टोन टूल्स एंड एंशियंट ऑर्नामेंट्स आर फाउंड विद द हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट विच हेल्प अस टू नो द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट टाइम. एक्सकावेशन के टाइम पे हमको पुराने ज़माने के यूटेंसिल्स यानी बर्तन और वो सब, स्टोन टूल्स एंड एंशियंट ऑर्नामेंट्स, ये सब कुछ हमको मिलता है आर्कियोलॉजिस्ट के हेल्प से, जो हमको एंशियंट टाइम के हिस्ट्री को जानने में हेल्प करता है. एक्सकावेशन यानी कोई हिस्टोरिकल जगह पे ज़मीन को खोदना या ज़मीन को जो खोदते हैं वो जो प्रोसेस होता है उसको हम एक्सकावेशन बोलते हैं. लेट अस रिकॉल सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कैन बी नोन वेल थ्रू डॉक्यूमेंट्स, पेंटिंग्स, ऑर्नामेंट्स, टॉयज, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, भोजपत्रस, मेटल प्लेट्स, ओल्ड बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, ट्रैवलॉग्स एक्सेट्रा. द राइटिंग्स विच आर कार्व्ड ऑन स्टोन्स इज कंसिडर्ड एज स्टोन इंस्क्रिप्शन. The bark of a tree on which books were written in ancient time is considered as bhojpatras. Inscription on copper and tin is considered as copper plates. Places which store historical records is considered as archives. So this was your chapter number 1, sources of history. Hope you understood well. Thank you.